ढोवा के रखा गया है अंदर, और नहा धो के हो गए चिकन, सारा काम खत्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है सुबह, देखिए सुबह सुबह छत पे आए हैं और इधर पेड़ से तोड़े हैं दतैन। तो अभी हम दतैन कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए। और ये पीछे हमारी बड़ी मम्मी का घर बन रहा है, देख सकते हैं आप सब। और यहीं छत पे घूम रहे हैं ब्रश करने के साथ साथ। सुबह हो गई है काफ़ी, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे हम लोग रात में बोझा ढो ढो के। फ्रेंड्स सब लोग इतना जल्दी जल्दी बोझा ढोए थे कि अभी ट्रैक्टर आएगा, रात में ही दाँ लेंगे। लेकिन ट्रैक्टर वाला भाग गया, उसने बोला कि ट्रैक्टर की लाइट ख़राब हो गई है, लाइट ही नहीं है, इसीलिए वो लेके भाग गया। नहीं तो रात में दाँ लेते हम सब भी, सब लोग दाएँ दाँ के अपने घर में रख लिए गेहूँ ढो ढो के। और हमारा तो वही खेत में ही पड़ा है, देखो आज मंगलवार है तो आज गेहूँ दाया नहीं जाएगा, मम्मी कह रही है अब बुधवार को दाया जाएगा। तो अभी एक दिन बेचारा खेत में रेस्ट करे, वो भी हो सकता है कल दाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रैक्टर मिल जाए तभी ना, सभी लोग दमा रहे हैं इसीलिए ट्रैक्टर खाली नहीं है। एक मिला भी तो कह रहा है उसका लाइट ही ख़राब है, देखते हैं कल क्या होता है। अभी कर रहे हैं बरस, बरस करके मुंह धुल के चलते हैं चाय पीने, फिर दिखाएंगे कि आज के दिन क्या करते हैं आगे। आप सब वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड सुबह से ही खाना पानी खा के चाय पानी पी के सोए थे आराम से, अब दोपहर के बज रहे हैं 11:30। तो अभी जा रहे हैं खेत में क्योंकि ट्रैक्टर आ रहा है, बड़ी मम्मी का जा रहे हैं दाने दवाने। तो कह रहे हैं आप सब भी दा लो, तो देखते हैं आज दाया जाता है कि नहीं। तो अभी जा रहे खेत में, सब बोझ को इकट्ठा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी चलते हैं इकट्ठा करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रैक्टर आ चुका है बड़ी मम्मी का खेत, मतलब गेहूं दाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा है, तो अभी बोझ को करना है इकट्ठा, कुछ बोझ है अभी, तो अभी इसको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर देखते हैं आज दाया जाता है कि नहीं। आप सब वीडियो में बने रहिए। देखो धो रही है सब, हम भी जा रहे हैं इकट्ठा करवाने। देखिए यहाँ पर सारे बोझ को इकट्ठा कर लिए हैं, और यहाँ पर बड़ी मम्मी का गेहूँ दवा रहा है, उसके बाद हमारा दवाएगा फ्रेंड। तो अभी चल रहे हैं घर पे, तब तक ले बड़ी मम्मी का दवा जाए, फिर आएंगे तब हमारा दवाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी चलते हैं घर पे, थोड़ा आराम कर लेते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, 12 बज रहे हैं राइट, और धूप तो बहुत लगेगा। लेकिन क्या करें, फिर दोबारा ट्रैक्टर मिले ना मिले, इसीलिए सोच रहे हैं कि पास में आया है तो दमा लेते हैं अपना भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी चलते हैं घर पे। फ्रेंड ट्रैक्टर आ गया खेत में, और अभी हम हो रहे हैं तैयार खेत में जाने के लिए, गेहूं दबाने के लिए। देखिए बूसट पहन लिए हैं क्योंकि हाथ छिला जाता है ना, इसीलिए जींस भी पहन लिए हैं, वो मिल नहीं रहा। तैयार हो गए हैं, बिट्टू सो के उठी है तो रो रही है भी, इसको भी लेके चलते हैं खेत में दमाने के लिए। चलो तुम गेहूँ बटोरना। ठीक है, तो बूसट उसट पहन लिए हैं और जींस पहनना भी बाकी है, उसको ढूंढते हैं उसके बाद पहनते हैं और चलते हैं अब खेत में। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी गेहूँ दमा लेते हैं।
बज रही है 12:30, बहुत तेज हो रहा है धूप और हो जाएंगे हम एकदम अभी भूत। तो अभी चलते हैं खेत में। फाइनली फ्रेंड गेहूं दबा गया है, देखिए आके मड़ई पे बैठे हैं। बहुत ही भयानक धूप लग रही थी। गेहूं दबाते हुए बोले थे एक बच्चे को वीडियो खींचने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो वो फोटो खींचा है। जब मैं डांट पकड़ा रही थी रिकॉर्डिंग किया ही नहीं, तो फिर कोई बात नहीं, गेहूं दबा गया है फाइनली। अब चल रहे हैं पानी वानी पीने, उसके बाद मिलते हैं आपसे। वीडियो में बने रहिए। अभी उसको ढो के घर भी लाना है गेहूं को। तो फ्रेंड गेहूं दबा के बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, तो यहाँ पर द्वार पर बैठ के अभी खा रहे हैं हवा। देखिए बहुत ही ज़्यादा थक गए, इतना भयानक धूप लग रहा था कि पूछो ही मत। 12 बज रहे थे ना, इसीलिए। फ्रेंड गेहूं दबा के रखा गया घर में, देखिए पापा और संतोष धोए हैं और नहा धो के हो गए हैं चिपकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो गेहूं ढोवा के रखा गया है अंदर। अब सारा काम ख़त्म, सिर्फ भूसा ही ढोना है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड। ये ब्लॉग आप सबको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।